नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 8 नवंबर शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। कांग्रेस ने विधानसभा चुनावों से पहले अपनी 7 गारंटी के प्रचार के लिए कांग्रेस गारंटी यात्रा शुरू की। इस यात्रा के तहत पार्टी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से घोषित 7 गारंटियों को आम जनता तक लेकर जाएगी। कांग्रेस की इन 7 गारंटी पर बीजेपी के 7 प्रवक्ताओं ने 7 सवाल उठाकर जवाब मांगा है। बीजेपी ने कहा कि 5 साल तक जनता को महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और अपराध के बीच जीने को छोड़ दिया और जब चुनाव सामने है तो फिर एक बार झूठ के गारंटी लेकर आ गए। कांग्रेस की इन 7 गारंटी से आमजन को कोई फायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये झूठी गारंटी है। ये लाभ देने वाली गारंटी नहीं है, बल्कि आम जनता को ठगने वाली गारंटी है। प्रदेश प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस शायद अपना पूरा झूठा घोषणा पत्र भूल गई। किस तरह से उन्होंने किसानों की कर्ज माफी, बेरोजगारों को भत्ता, फ्री बिजली, अच्छी शिक्षा, सुरक्षित माहौल देने की बात की थी, लेकिन इन 5 सालों में कांग्रेस ने इनमें से कोई भी घोषणा पूरी नहीं की और एक बार फिर उसी तरह से जनता को गुमराह करने के लिए गारंटी लेकर आई है। चित्तौड़गढ़ जिले में नकली सोने की 11 चेनों के बदले गोल्ड लोन लेने वाले 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने ICICI बैंक में नकली गहने रखवाकर 13,70,000 रुपए ले लिए। इन 3 आरोपियों में एक आरोपी सुनार भी है। तीनों इसी तरह की धोखाधड़ी गुजरात के वलसाड़ जिले के धर्मपुर थाना क्षेत्र में भी किया है, जहां से तीनों वांछित हैं। मामला भदेसर थाना क्षेत्र का है। SP राजन दुष्यंत ने बताया कि मामला भदेसर थाने में दर्ज हुआ, लेकिन चित्तौड़गढ़ सदर थाने को जांच सौंपी गई थी। मोबाइल कॉल डिटेल के आधार पर पारलिया भदेसर निवासी दिनेश कुमार सुखवाल और उसके साथी कमलेश सुखवाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों से पता चला कि नकली सोने के चेने बनवा कर देने वाला आरोपी कपासन का रहने वाला है। इस पर कपासन निवासी शांतिलाल सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों के अन्य मामलों की जांच की गई। अजमेर के रामगंज थाना अंतर्गत बुजुर्ग की संपत्ति विवाद में हत्या का मामला सामने आया है। रामगंज थाना पुलिस ने बेटे की शिकायत पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने देर रात 2 जनों को हिरासत में भी लिया है। खारीकोई निवासी 26 वर्षीय हितेश टेकवानी ने बताया कि उनकी एक संपत्ति राधा स्वामी सत्संग के पास भगवानगंज में स्थित है। संपत्ति को हड़पने के लिए उसके चाचा नरेश टेकवानी द्वारा अदालत में मुकदमा भी कर रखा है। उसके पिता 62 वर्षीय विजय टेकवानी दुकान से भगवानगंज वाली संपत्ति पर साफ सफाई एवं देखभाल करने गए थे। तभी उसके पास उसके दोस्त भूपेंद्र का फोन आया और उसने बताया कि उसके पिता विजय टेकवानी के साथ उसके चाचा नरेश टेकवानी, चाची लीला टेकवानी और चाचा का बेटा मनीष व अन्य लोग मारपीट कर रहे हैं, जिसके बाद उसके पिता की मौत हो गई। बुजुर्ग की हत्या की घटना घटनास्थल के पास लगे CCTV में कैद हुई है। पुलिस ने CCTV के आधार पर जांच शुरू कर दी है। सीकर में सूदखोरों से परेशान युवक ने ADJ कोर्ट सीकर में शिकायत दी है। सूदखोर शिकायतकर्ता को जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। 30 वर्षीय मोहित थनेजा ने कोर्ट में दी शिकायत में बताया कि उसने आरोपी वल्लभ चंद पारिक व आशिक कारीगर सीकर से 18 अगस्त 2023 को 30,000 रुपए उधार लिए थे और पैसों की जरूरत पड़ी तो उसने आरोपियों से 2,25,000 रुपए और मांगे। आरोपियों ने मोहित थनेजा को 2,25,000 में से पहले उधार दिए हुए 30,000 के बदले 42 रुपए काट कर कुल 1,83,000 रुपए शिकायतकर्ता को दे दिए। आरोपियों ने मोहित से कहा कि वह एक बार 1,83,000 रुपए ले जाए और बाकी का हिसाब किताब वह बाद में कर लेंगे। कुछ दिन बाद आरोपियों ने उसकी गाड़ी की चाबी छीनकर खाली स्टाम्प पेपर पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवा लिए और कहा कि वह 3,000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से ब्याज जोड़कर पैसे लेकर आ जाए और अपनी गाड़ी ले जाए। आरोपी शिकायतकर्ता से 2,15,000 रुपए के बदले 6,25,000 रुपए मांग रहे हैं। कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में अब पासबुक का उपयोग नहीं हो सकेगा। स्कूल में अगर किसी टीचर और स्टूडेंट के पास पासबुक मिलती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में इस संबंध में एक आदेश राज्य के सभी उपनिदेशकों, संयुक्त निदेशकों और सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल को जारी किया है। आदेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कान्ना राम ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों को पहुंचाया है। परिषद ने कहा है कि किसी भी विद्यालय में अगर पासबुक स्टूडेंट या टीचर के पास पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिषद का मानना है कि पासबुक से पढ़ाई करने के कारण बच्चे रटने की आदत डाल रहे हैं, जबकि वे विषय को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं, उनकी क्रिएटिविटी भी घट रही है।
नागौर में 1 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला साइबर थाने में दर्ज हुआ है। पीडब्ल्यूडी के पूर्व एक्सीएन राम प्रकाश मिर्दा ने बताया कि उसके पास किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया, जिसने कहा कि वह ब्लू डार्ट सर्विस में बोल रहा है, उसका डेबिट कार्ड आया है। राम प्रकाश ने कॉरियर बॉय से कहा कि कोरियर घर पर दे दो, अगले दिन भी कोरियर नहीं आया। राम प्रकाश ने उसी नंबर पर बात की, युवक ने कहा कि कोरियर ऑफिस में जमा करवा दिया। राम प्रकाश ऑफिस गए तो कहा कि कोरियर रिफंड हो गया है। थोड़ी देर बाद अनजान नंबरों से फोन आया कि आपका कोरियर 24 घंटे में मिल जाएगा, इसके लिए 5 रुपए जमा करवा दें। अज्ञात व्यक्ति ने व्हाट्सएप लिंक भेजा, राधेश्याम ने लिंक पर क्लिक कर 5 रुपए जमा करवा दिए। इसके बाद अकाउंट से 99,999 रुपए कट गए। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। राजधानी जयपुर के गणपति प्लाजा के रॉयरा सेफ्टी वॉल्टेस में आयकर विभाग की पड़ताल जारी है। पिछले 2 दिन में 1,81,00,000 रुपए की राशि 3 अलग अलग लॉकरों से मिली है। अब तक इन निजी लॉकरों से 8,50,00,000 रुपए से ज्यादा का कैश मिला है। आयकर विभाग के अनुसार उन लॉकरों का खुलाया जा रहा है जिनकी KYC सही नहीं है। लॉकरों की पड़ताल के लिए CCTV फुटेज की भी पड़ताल की जा रही है। गौरतलब है कि राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना ने इन्हीं लॉकरों में सूचना प्रौद्योगिकी घोटाले और पेपर लीक प्रकरण का 500 करोड़ का काला धन होने का दावा किया था। इसके बाद लॉकर खुलवाने के लिए आयकर विभाग मैदान में आया था। जयपुर में एक ज्वेलर के मकान से बदमाश 50 किलो चांदी चोरी कर ले गए। चारों बदमाश नकाब पहनकर मकान में घुसे या काम कर रहे कर्मचारियों को बंधक बनाया, अलमारी के लॉक तोड़कर चांदी चुरा ली। घटना मुरलीपुरा थाना इलाके के मदन विहार कॉलोनी की है। यह ज्वेलर प्रदीप शर्मा का 4 मंजिला मकान है। यह प्रदीप 4 कर्मचारियों के साथ चांदी के आर्टिकल तैयार करते थे। पीड़ित प्रदीप शर्मा ने पुलिस को बताया उसका चांदी के आर्टिकल का काम है। रात को मदन विहार कॉलोनी स्थित मकान बंद करके अपने घर चला गया था। यहाँ पहली मंजिल पर कारीगर रहते हैं। इनका नाम अताबुर रहमान, मुल्ला राजा, राहुल, रियाज व गुलाब है। उसके पास रात को फोन आया कि आपके यहाँ चोरी हो गई है, मेरे कारीगर गुलाब पर मुझे शक है। उसने राहुल गुर्जर व उसके साथियों को चांदी की जानकारी देकर चोरी करवाई है। चोरी हुई चांदी की कीमत करीब 2 करोड़ रुपए है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी में खाद का कट्टा लेने गए एक युवक को गाँव लौटते वक्त एक ट्रक ने अपनी चपेट में ले लिया। युवक ट्रक के नीचे कुचला गया। युवक को उदयपुर ले जाते वक्त बीच रास्ते में ही मौत हो गई। ट्रक ड्राइवर हादसे के बाद ट्रक छोड़कर भाग निकला। पुलिस ने ट्रक को और मृत की बाइक को अपने कब्जे में लेकर पुलिस थाने लाई। नारायणी गांव निवासी प्रद्युमन कुमावत खाद का कट्टा लेने छोटी सादड़ी आया। खाद के कट्टे लेकर पुनिया अपने गाँव लौटते वक्त नारायणी चौकी के पास स्थित निर्माणाधीन रोड पर पुलिया के पास तेज गति से आते एक ट्रक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया और भाग निकला। नारायणी चौकी के पास ट्रॉला जाने से ट्रक आगे नहीं भाग सका। इसके चलते चालक ट्रक को वहीं छोड़कर भाग गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर जिले में मरुधरा ग्रामीण बैंक की कैश वैन ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। इससे बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर घायल हो गया। सूचना पर सिंदरी पुलिस मौके पर पहुंची। घटना बलूतरा जिले के सिंदरी मेगा हाईवे गदेसरा गांव के पास की है। पुलिस के अनुसार अमरपुरा गदेसरा गांव निवासी 36 वर्षीय नारायणा राम और 25 वर्षीय खेताराम निवासी खोखा रंगाला बाइक पर पायला कला की तरफ से आ रहे थे। मेगा हाईवे पर सामने से मरुधरा ग्रामीण बैंक की कैश वैन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे नारायणा राम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल हादसे की पूरी जाँच की जा रही है। वही क्षतिग्रस्त बाइक वैन को जब्त कर लिया है।